नमस्ते, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश श्रीराम शिंदे और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सुपर हीटिंग, सैचुरेशन एंड सबकूलिंग के बारे में। इस टर्म को समझने के लिए हम पानी का एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, एक डिब्बे में या कंटेनर में हमने रूम टेम्परेचर का या 30 डिग्री सेल्सियस का पानी लिया हुआ है, तो इस पानी को हम क्या कहेंगे? सबकूल्ड वाटर, क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस और इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम है और इसके लिए इसको हम क्या कहेंगे? सबकूल्ड लिक्विड। इसका मतलब किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, बॉइलिंग लेवल से अगर कम होता है, तो उसे हम सबकूल्ड लिक्विड कह सकते हैं। इसके बाद में इस रूम टेम्परेचर के पानी को हमने गर्म कर दिया, इसको हीट दे दी, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस पानी को या इस लिक्विड को हम कहेंगे सैचुरेटेड लिक्विड। इसका मतलब किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर अगर बॉइलिंग लेवल तक आता है तो उसको हम सैचुरेटेड लिक्विड कहते हैं। इसके बाद में इस सैचुरेटेड लिक्विड को अगर हम और गर्म करते हैं तो धीरे धीरे ये लिक्विड पूरी तरीके से उबलता है और उबलने के बाद में वेपर हो जाता है। वेपर होने के बाद में इस वेपर का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है। इस एग्जाम्पल पे देखने जाएंगे तो यहाँ पे वेपर का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया है, तो उसे हम कहेंगे सुपरहीटेड वेपर। तो किसी भी लिक्विड को अगर हम बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म करते हैं तो उसको हम सुपरहीटिंग कहते हैं, और किसी भी लिक्विड को अगर हम बॉइलिंग पॉइंट से ठंडा करते हैं तो उसको हम सबकूल्ड लिक्विड कहते हैं। अब हम देखेंगे सबकूलिंग, सैचुरेशन और सुपरहीटिंग में बेसिक डिफरेंस होता क्या है। सबकूल्ड लिक्विड का टेम्परेचर ऑलवेज बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, सैचुरेशन ऑलवेज बॉइलिंग लेवल में होता है, और सुपरहीटिंग का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज़्यादा होता है। इसमें सेकेंड डिफरेंस होता है, सबकूल्ड लिक्विड जो है उसमें टोटली लिक्विड होता है, सैचुरेशन में वेपर और लिक्विड का मिक्सचर होता है, और सुपरहीटिंग में टोटली वेपर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हम जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।